हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस, अभी मैं नहा के रेडी हो गई हूँ और यहाँ पर हॉल में फूटी भी नहा ली है और यहाँ टीवी में चल रही है मूवी, वो भी राज मूवी, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा डेंजरस लगती है। मतलब मैं राज मूवी को देखती ही नहीं हूँ। इसमें सीन इतने डेंजर डेंजर है ना कि बस। तो यहाँ पर मम्मी ने अभी कर ली है पूजा, क्योंकि आज फ्राइडे है और संतोषी मियाँ का व्रत रखा है मम्मी ने, तो उनकी पूजा कर ली है। तो गाइज, यहाँ चली है राज मूवी और बहुत डेंजर मूवी है ये। फूटी पता नहीं कैसे देख लेती है राज मूवी। डर नहीं लगता है इसे? मुझे तो गाइज बहुत डर लगता है। मतलब वैसे सीन आए तो कोई बात नहीं, मैं देख लूँगी। जैसे कोई भूत नहीं मारा आ जाए ना, तो भाई मैं देख तो लूँगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसके बाद जो रात में जो सीन माइंड में रिमाइंड होते हैं ना, तो वो सोच के बड़ा डर लगता है। ये लोग पता नहीं कैसे देख लेते हैं। ये नहीं आ गई बड़ी राज मूवी। कैसे देख लो तुम लोग रात में डर नहीं लगता? मूवी कितनी बार देखी है हमने, अभी डर लगेगा? नहीं, पुरानी मूवी है। रात तो रात में सोते तो सीन माइंड में रिमाइंड नहीं होते। बजरंग बली करते हैं बजरंग बली के वक्त हैं हम क्या तो गाइज, ये लोग तो देखते रहेंगे मूवी और मैं चली अपना खाना लगाने। तो यहाँ पर मैं खाने में खा रही हूँ बैंगन आलू टमाटर की सब्ज़ी और रायता, और यहाँ सैलेड में मैंने टमाटर खीरे कट कर लिए हैं। खाना खाने के बाद गाइज़, मैंने थोड़ा आराम कर लिया था और उठी हूँ तो मैं देखा किचन में तो फूटी यहाँ पर चाय बना रही है सबके लिए। और मम्मी के लिए वो साबूदाने के पापड़ सीख रही है, क्योंकि मम्मी का फास्ट है तो वो खट्टा नहीं खा सकती, तो यहाँ पर उनके लिए साबूदाने के पापड़ सीख रही फ्रूटी। और अभी डैडी आए हैं और सब्ज़ी लेके, गोभी, धनिया, हरी मिर्च तो अभी काट के रख रहे हैं गोभी, क्योंकि आज इवनिंग में बनने वाली है गोभी आलू की सब्ज़ी, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है, जो कनिष्का दीदी बहुत मिस कर रही हैं, क्योंकि कलकत्ता में गोभी अभी आई ही नहीं है और वो गोभी आलू को बहुत मिस कर रही हैं। तो यहाँ पर चल रहा है मैच, आई थिंक मैच है इंडिया और वर्सेस पता नहीं किसका, तो यहाँ मैच चल रहा है। फ्रिज में कुछ सब्ज़ियाँ जो डैडी लेके आए हैं। तो गाइस, ये हरी मिर्ची कम तलवार ज़्यादा लग रही है, ऐसा मन कर रहा है एक कुर्ती को पकड़ा दूँ और मैं पकड़ लूँ और हम दोनों करें इससे लड़ाई है। कुर्ती मम्मी को अभी घंटा बजाना था तो अभी कुर्ती बना रही है चटनी, और कुर्ती का तो कुर्ती बना रही है चटनी, तो कुर्ती थोड़ा सैड होकर चटनी बना रही है, क्योंकि उसकी इच्छा कर रही थी सिले बटने पर चटनी बनाने की, जो कि मम्मी उसको बनाने नहीं दे रही हैं। तो पूर्ति का मन था सिले बटने पर चटनी बनाने का, तो मम्मी ने नहीं था मेरा मन नहीं था। अभी मम्मी से कौन बोला था, मम्मी मुझे सिले बटने पर चटनी बनानी है। आई बड़ी बड़े ही बेमन से मिक्सी वाली चटनी बना रही है, क्योंकि पूर्ति को मम्मी ने सिले बटने पर बनाने नहीं दी। क्या करेगी सिलबटने में बनाकर, बता कितनी मेहनत लगती है, बनाने बैठेगी ना चटनी बेहोश हो जाएगी। मैं नहीं बोल रही थी कि मैं बनाऊंगा, तो मम्मी से बोल रही थी मम्मी आप बनाओ। हैं, अपनी मजे के लिए मम्मी को सिलबटने पे मेहनत करवाएगी पूर्ति। हैं पूर्ति, डैडी हूँ कह रहे हैं इस बार की हरी मिर्ची ना मीठी आ गई है, जरा खा के देखियो तो देख क्या पता मीठी हो। मिर्ची मीठी होती ही नहीं है, चंड है। तो यहाँ चली पूर्ति मैडम तिक्की तिक्की टमाटर धनिया हरा धनिया की चटनी बनाने। गाइस लिटरली मैं
इस हरी मिर्च को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि कतई इसको पीस के इसकी चटनी बना डाला है। तो गाइस यहाँ पर पूर्ति की चटनी बन के रेडी हो गई है और पूर्ति की चटनी कुछ पीली पीली दिख रही है। ग्रीन ग्रीन, तो बड़ी ही टेस्टी चटनी लग रही है पूर्ति की। वाह पूर्ति वाह, कमाल कर दिया पूर्ति। इसमें नमक डाला कि नहीं? नहीं डाला, अच्छा किया, क्योंकि हम इसमें डालेंगे काला नमक। काले नमक से हमारी चटनी और ज़्यादा टेस्टी बनेगी। ठीक है पूर्ति, तो ये हमारी चटनी, अब इसमें डालेंगे हम काला नमक। तो यहाँ पर गोभी आलू की सब्ज़ी बन के रेडी हो गई है। तो ये फ्राई वाली नहीं है गाइज़, आपको मैंने दिखाया होगा कि डैडी इससे पहले फ्राई वाली गोभी आलू सब्ज़ी बना चुके हैं गाइज़। उसका टेस्ट ही तो बहुत ही मतलब अलग होता है। और चलिए खाना लगा लेते हैं। तो गोभी आलू के साथ में मैं ले रही हूँ यहाँ पर चटनी जो बनाई है अभी पूर्ति ने, काफ़ी टेस्टी चटनी बनाई है। और इसके साथ में गर्मा गर्म रोटियाँ। तो डैडी बहुत ना पतली पतली वाली हरी मिर्ची लेके आए थे, जो एकदम से मतलब तीखी सी होती है ना। तो डैडी का मन था कि मम्मी मिर्ची का अचार डालें, और जब मम्मी का मिर्ची का अचार डालती है ना तो गाइस बहुत ज़्यादा टेस्टी अचार डालता है। तो यहाँ पर मम्मी ने है ना सबसे पहले ना हरी मिर्चियों को काट के उनके दो पार्ट कर करके थोड़ा सुखा लिया था, और उसके बाद में मसाला वगैरह पीस के ये मम्मी ने बहुत टेस्टी अचार डाला है, जो कि हमारा 2-3 दिन में बन के रेडी हो जाएगा। तो गाइज़ अब मैं करती हूँ व्लॉग का एंड। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो गाइज़ प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना। ऐसे मिलेंगे हम फिर से नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।